गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 5 है इसका पार्ट 2 आप उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था तो उसका सॉल्यूशन आप लोग कल पार्ट 2 वाला वीडियो में देखे होंगे। अब पार्ट 3 जो है वो डी मॉडल, ये डी मॉडल क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर डी मॉडल का। तो उसमें बच्चों पहले तो आप ये बताओ कि जो ग्रीनलैंड है वो लैंड ऑफ आइस एंड स्नो ये क्यों बन गया, क्यों कहलाता है। इसके पहले आप लोग को ये बताया गया था कि पृथ्वी का जो ग्लोब है, ग्लोब जो मॉडल ऑफ अर्थ है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो को पोल आप लोग देखे थे। नॉर्थ पोल के पहले 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं, वहीं वह जो है ग्रीनलैंड के बीचों बीच क्रॉस करता है। यानी कहने का मतलब कि वो जो है कोल्ड जोन एरिया में आ गया, तो कोल्ड जोन एरिया में आ गया तो इसीलिए आइस और स्नो का नजारा, जो नेचुरल सिनेरियो है, प्राकृतिक छटा नजारा वो है। नाम इसका ग्रीनलैंड, जब भी ग्रीनलैंड, ग्रीन जैसी कोई बात है ही नहीं यहाँ, है ना। वो आप पार्ट 1 वीडियो में आप देखे थे कि वो जो है काई लाइकेन मॉस करके नन्नी नन्नी छोटी छोटी हरी हरी घास जैसी वनस्पति जो है, वो भी समर, ड्यूरिंग समर सीजन में, है ना। तो नहीं बताए थे कि काफी अजब गजब है ये ग्रीनलैंड। नाम है ग्रीनलैंड, डेनमार्क अंडरटेक तो है ही, लुक इसका कैपिटल है, लेकिन यहाँ ग्रीन जैसी कोई चीज नहीं है। सालों भर यहाँ बर्फ ही के बर्फ का नजारा रहता है, इसीलिए लैंड ऑफ आइस एंड स्नो कहा गया। तो इसमें बच्चों आपको पाठ समझ रहे हैं, तो इसमें देखिए डी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डी का क्वेश्चन नंबर 1 है, होमवर्क आप लोग किए थे और करना जरूरी है, क्योंकि अपना सोच अपना विचार, आप पाठ्य पुस्तक को पाठ को देख करके अपना विचार ही देना सीखिए, जो आपको पाठ के तहत है भी। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाई डज ग्रीनलैंड एक्सपीरियंस ए वेरी कोल्ड क्लाइमेट, व्हाई डज वेरी कोल्ड क्लाइमेट एक्सपीरियंस, यानी अनुभव किया जाता है बहुत ठंडी जलवायु क्यों। तो इसमें बच्चों इसका एकमात्र कारण है ड्यू टू ग्रीनलैंड लाइज ऑन द आर्कटिक सर्कल, देयरफॉर व्हाई ग्रीनलैंड व्हाट इज कॉल्ड इन द कंडीशन ऑफ कोल्ड जोन, बिकॉज ही दिस ग्रीनलैंड लाइज ऑन आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल हो या साउदर्न पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, जो ग्लोब के नीचे देखते हैं, साउदर्न पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में आप देखते हैं कि अंटार्कटिक सर्कल है सेम डिग्री पर, जैसे 66 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है वो आर्कटिक सर्कल के नाम से फेमस है, उसको आर्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमस्फीयर में देखते हैं वहां भी 66 डिग्री है लैटिट्यूड, तो वो अंटार्कटिक बोला जाता है। तो थोड़ा सा फर्क है आर्कटिक और अंटार्कटिक कहने में, है ना। साउथ वाला को अंटार्कटिक बोलो और नॉर्थ वाला जो 66 है उसको आर्कटिक सर्कल बोल देना है। अब ये आर्कटिक सर्कल 66 से 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल वाला एरिया हो गया या फिर नीचे साउथ पोल वाला एरिया हो गया, ये दोनों ही एरिया कोल्ड जोन में ये रहते हैं, कोल्ड जोन में इनका क्लाइमेटिक कंडीशन, तो इसलिए एक्सट्रीम टाइप ठंडी तो रहेगी। तो पूछता है कि व्हाई, तो आंसर लिखना कि ड्यू टू दिस ग्रीनलैंड लाइ ऑन आर्कटिक सर्कल सो हियर एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड, हियर एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड एंड द नेचुरल सिनेरियो आइस एंड स्नो
इज व्हाट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग रिमेनिंग होल ईयर, सालों भर ये जो है असर होता है। तो इसका जवाब समझ गया, इस तरह से लिख लेना। अब जो है दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखो, व्हाट आर आइसबर्ग, हाउ आर दे डेंजरस टू शिप, है ना। आइसबर्ग जो है वो क्या होता है और क्यों यह जो है डेंजरस है ना, इसके बारे में जो है आप देखिए। आइसबर्ग, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आइसबर्ग जो है वो बर्फ का बहुत बड़ा ये टुकड़ा होता है, गोला होता है ना, उसको आइसबर्ग बोलते हैं। तो आइसबर्ग जो है आपको ह्यूज पीस ऑफ आइस यानी बहुत बड़ा बर्फानी टुकड़ा, बर्फ वाला टुकड़ा, उसका माने 1/4 भाग जो है पानी के नीचे डूबा डूबा सा रहता है और सिर्फ उसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर वाला जो हुआ है ना, वो थोड़ा सा हिस्सा ऊपर क्यों दिखता है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो है कंफ्यूजन इसलिए होता है कि ये विजिबल नहीं होते, है ना, ड्यू टू थिक फॉग इन दिस रीजन, ड्यू टू थिक फॉग, फॉग मीन्स कुहासा। तो अधिक कुहासा की वजह से ऊपर से ये जो है डूबा रहता है, तो कैसे लिखेंगे उसको, उसको लिखना कि वाटर आइसबर्ग है, तो लिखना कि आइसबर्ग इज ए ह्यूज पीस ऑफ स्नो और आइस, है ना, एंड दिस इज वेरी डेंजरस टू शिप बिकॉज दिस आइसबर्ग, ओनली 1 part ऑफ आइसबर्ग कैन बी सी, बट ड्यू टू फॉगी कंडीशन नॉट विजिबिलिटी, विजिबिलिटी इज नथिंग, नॉट विजिबल ड्यू टू फॉगी कंडीशन इन दिस एरिया, सो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर शिप, SHIP, दिस इज डेंजरस टू शिप। यह जो है पानी वाला जहाज जो है चलने में डेंजरस, कैप्टन को दिखाई नहीं देता कि वो जो है, चूंकि उसका 1/4 भाग तो मतलब डूबा हुआ है और एक थोड़ा सा ऊपर वाला भाग सिर्फ है बाहर की ओर, लेकिन फॉगी कंडीशन में वो भी दिखाई नहीं देता कि आइसबर्ग का वहाँ आइसबर्ग है क्या है। स्पीडली टाइटेनिक जहाज गया, टाइटेनिक जहाज तो डूब गया था इसी आइसबर्ग के चक्कर में, आइसबर्ग से ही तो टकराया था वो, और टकराने के बाद टूट गया जहाज, डूब गया। तो ये जो है स्थिति है ना, तो ये जो है आपको ये उसको जो है आइसबर्ग से संबंधित आपका ये जवाब हुआ कि व्हाट आर आइसबर्ग, तो लिख देना आइसबर्ग इज ए ह्यूज पीस ऑफ स्नो एंड दिस आइसबर्ग कैन नॉट विजिबल ड्यू टू फॉगी कंडीशन इन ओशन एरिया, सो दिस इज वेरी डेंजरस टू शिप फॉर ट्रांसपोर्टिंग टाइम, ये जो है चलने उलने जहाज वहाज चलने में के क्रम में आपको यह बड़ा खतरनाक होता है ना। अब तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दो, व्हाई इज ग्रीनलैंड कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, व्हाई इज ग्रीनलैंड कॉल्ड, है ना, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो आपको बच्चों बताए थे कि ये जो ये है सूरज की रोशनी है वो आपको यहाँ उसकी ये छाया माने पूरा जो है, कहने का मतलब कि पूरी तरह से सूरज जैसे हम लोग यहाँ उगती है वैसा नहीं होता है ना, 24 घंटा चमकते रहता है, हैं? तो उसमें लिखेंगे कि द सन शाइन्स ब्राइटली
ऑल द 24th आवर्स। अब 24 घंटा सन जो है ब्राइटली चमक ही रहा है, तो चमक रहा है वहां, माने रात होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 24 घंटा माने दिन और रात, 12 घंटे का दिन 12 घंटे, तो 24 घंटा जो है सनशाइन जो है ब्राइटली चमकता है साइंस, है मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड द सन साइंस ब्राइटली ऑल द 24th आवर्स, है ना। सो दिस लैंड ग्रीनलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, है ना। ये आपको ये तीसरा क्वेश्चन का जवाब हो गया। चौथा में देखो, हाउ डिड द एस्किमो हंट एनिमल्स इन द पास्ट, तो उसमें आंसर लिखो। क्या समझ रहे हो कि एस्किमो जो है, जो ट्राइबल पीपल्स है ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के जो जनजाति है एस्किमो नाम से जानी जाती है, एस्किमो नाम उनका, एस्किमो है नाम, और रहते कहाँ है, इग्लू में। तो चौथा क्वेश्चन का जवाब देखो बच्चों, इग्लू क्या है, बर्फीला घर है, बर्फ का ही गुंबदाकार एक घर होता है ना। अब आजकल के जो मॉडर्न एस्किमो लोग जो है लकड़ी और स्टोन का भी बना रहे हैं, लेकिन पहले के एस्किमो जो थे पास्ट टाइम के, वो सिर्फ बर्फ के टुकड़े से ही बनाते थे वो घर। उस घर को क्या नाम दिया था, इग्लू, इग्लू उसका नाम है। अब एस्किमो जो है हंटिंग करते हैं एनिमल, पहले के लोग एस्किमो जो थे कैसे शिकार करते थे, हाउ डिड द एस्किमो हंट एनिमल इन द पास्ट, तो सीधे लिखना कि इन द पास्ट टाइम एस्किमोज हंट द एनिमल्स, है ना, एस्किमोज हंट द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ हार्पून, विद द हेल्प ऑफ हार्पून, है ना। हार्पून मीन्स स्पीयर, ए लॉन्ग स्पीयर इज कॉल्ड हार्पून। तो पहले के एस्किमोज लोग जो हैं हार्पून से, हार्पून एक प्रकार का औजार है उनका, भाला नुमा औजार स्पीयर, वो पार्ट टू वीडियो में भी हम आपको बतलाए थे कि हार्पून क्या होता है। तो ये लॉन्ग स्पीयर है और क्या है, स्पीयर मीन्स भाला। तो द एस्किमो इन द पास्ट टाइम हंट द एनिमल्स या हंट एनिमल्स विथ द हेल्प ऑफ हार्पून्स, है ना। यही है इसका जवाब कि कैसे शिकार लोग करते थे। डिस्क्राइब द वे ऑफ लिविंग ऑफ द एस्किमोज, है ना। अब पांचवा क्वेश्चन जो है वो वर्णन करना है कि एस्किमो का वे ऑफ लिविंग क्या होता है। तो उसमें एक नोट्स टाइप का बनाना है बच्चों, पांच लाइन का। तो उसमें लिखना कि द एस्किमो इज प्राइमिटिव ट्राइब्स ऑफ ग्रीनलैंड एंड दे ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्लेज इन पास्ट टाइम और एंशेंट टाइम दे हंट विद द हेल्प ऑफ हार्पून्स दे व्हाट इज कॉल्ड हंट सील और व्हेल वालरस एक्सेट्रा दे लिव इन इग्लू स्नोमेड होम कॉल्ड इग्लू बट मॉडर्न टाइम दे यूज राइफल एंड गन्स ऑल्सो एंड मोटराइज स्लेज कॉल्ड स्किडो दिस इज दे व्हाट इज कॉल्ड हार्ड लाइफ दे हैव हार्ड लाइफ एंड दे आर वेरी फाइन वेरी एक्सलेंट हंटर्स, है ना। बस इतना लिख देना और इस तरह से जो है आपका पांचवा जो चार पांच लाइन में जवाब देने वाला क्वेश्चन है वो आपका 1 2 3 4 5 ये पांच ही वो क्वेश्चन थे और इनका जो है एंसरिंग ओरली अभी आपको हम समझाए। और इस तरह से आप यू कैन डू इन फेयर, है ना, आप फेयर में भी इसको कर लेना और बाद में इसके बाद जो है एक हम हल्का फुल्का टेस्ट लेंगे ऑनलाइन थ्रू ही, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, उसमें घबराना नहीं। उसमें जितने भी सवाल अभी तक पांच चैप्टर के अभी आप पढ़े, ये चैप्टर 5 के भी पढ़े, तो चैप्टर 1 से 5 तक का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम
आप लोग को शेयर करेंगे, उसका जवाब आप लिख के रखेंगे, है ना। तो ये एक टेस्ट रहेगा, क्योंकि 5 चैप्टर आप पढ़ लिए, है ना। अभी जो डी जो चैप्टर था, डी का मॉडलिंग, व्हाई डज ग्रीनलैंड एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड क्लाइमेट, है ये डी का ये पहला क्वेश्चन। इसमें सीधे लिखना, बिकॉज ग्रीनलैंड लाइज ऑन द आर्कटिक सर्कल एंड दिस एरिया फॉल इन कोल्ड जोन और फ्रिजिड जोन, सो ग्रीनलैंड एक्सपीरियंसेस वेरी कोल्ड क्लाइमेट, है ना। टुंड्राई क्लाइमेट, हियर यू कैन सी टुंड्राई क्लाइमेट, मैंने टुंड्रा भी बोलते हैं इनको, फ्रिजिड जोन को या कोल्ड जोन एरिया में जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड को टुंड्रा भी लोग बोल देते हैं, टुंड्रा भी एक दूसरा शब्द है ना। दूसरा जो है क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन में बोले थे कि आपको व्हाट आर आइसबर्ग, वेरी सिंपली आंसर यू कैन राइट इन योर फेयर और कॉपी, आइसबर्ग इज ए ह्यूज पीस ऑफ आइस इज कॉल्ड आइसबर्ग, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है वो आइसबर्ग है, है ना। एंड दिस आइसबर्ग शैंक 1/4 पार्ट्स अंडर वाटर एंड ड्यू टू फॉगी कंडीशन वंस कैन नॉट सी द एग्जैक्ट और रियल आइसबर्ग, सो शिप इट इज वेरी डेंजरस टू शिप, ये जो है पानी वाला जहाज चलने वाले के लिए बड़ा दिक्कत, बड़ा कठिनाई, बड़ा खतरनाक होते हैं। इस तरह से आप पांचों जवाब जो है उसको आप बना लो और फिर उसको कर लीजिएगा, है ना। ग्रीनलैंड बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, उसमें आप देखें कि एक भी चीज़ ग्रीन नहीं है फिर भी नाम ग्रीनलैंड है, हैं। वहाँ हमारे यहाँ जैसे पेड़ पौधे नहीं हैं, हैं, बर्फ पर पेड़ पौधा कैसे होगा, हैं। वो एक शॉर्ट समर सीजन होता है, तो उसमें एक काई लाइकेन मॉस, रिमेंबर इट इन योर माइंड, काई लाइकेन मॉस इज द वेजिटेशन ऑफ टुंड्राई एरिया और ग्रीनलैंड एरिया, है ना। तो इस तरह से आपको वनस्पति वहाँ यही सब है, है ना, हमारे यहाँ जैसा नहीं है। वहाँ के लोग जो है, अब अगला जो क्वेश्चन करेगा कि व्हाई इज ग्रीनलैंड कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, है बिकॉज द सन शाइन्स 24 आवर इन दिस एरिया, द ब्राइटनेस ऑफ सनलाइट इज 24 आवर इन दिस एरिया, सो दिस लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मिडनाइट सन एरिया, है ना। इस तरह से आपको ये पांचों क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन ओरली हम बतलाए, है ना। उम्मीद है, आशा है, भरोसा है तुम लोग पे, तुम लोग जो है आप लोग जरूर इसको लिख लेंगे और फेयर में अपना बना लेंगे, याद भी कर लेंगे, क्योंकि टेस्ट परीक्षा भी होगी तो उसके लिए रेडी रहना है। ओके, बाय, थैंक यू।